फ्रेंड्स, मुगल किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुगलई चिकन, जो कि एक बहुत डिलीशियस रेसिपी है, रिच रेसिपी है, और आप एक बार खाएंगे तो फिर इसे बार बार बनाएंगे। तो देख लीजिए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैरिनेट करके हम रखेंगे चिकन। हमने ये 1 किलो चिकन ले लिया है, ये देखिए। और उसके लिए हमें मसाला, 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हमने ये हल्दी पाउडर लिया है। तो ये सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। इसे हम मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। और आपके पास टाइम ना हो तो आप 1/2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए, हमने ये मिक्स कर दिया है। हमने इसे इसलिए मैरिनेट करने के लिए रखा है ताकि इसमें मसाले ऑब्जर्व हो जाएँ। तो देख लीजिए, हमने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया है, और आपके पास टाइम ना हो तो 1/2 घंटे के लिए रखें आप। और अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं, इसे हम साइड में रख देंगे। हम तैयार करते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंगे, काली मिर्च 10-12 हमने काली मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 हमने दालचीनी ये ली है, स्टिक ली है, और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने मिर्च ली है, और 1/2 चम्मच हमने नमक लिया। नमक और मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना आप। और ये देखिए, 10-12 हमने काजू लिए हैं, और 6 से 7 हमने बादाम लिए हैं। और इसको हम पीस लेंगे, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने प्याज को हमने फ्राई करा है, तो अब इसको भी हम पीस लेंगे। और हमने ये मलाई ली है, मलाई ना हो आपके पास तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। और ये हमने दही ली है, तो हम दही डालेंगे, जितनी डालेंगे हम आपको दिखा देंगे। तो ये देखिए, हमने ग्रेवी के लिए हमने ये सब तैयार कर लिया है। आइए तो हम बनाते हैं ग्रेवी। कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने अभी प्याज तली थी। तो अभी हमारी कढ़ाई में जो तेल है गर्म हो गया है, और अभी हम ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। थोड़े से मसाले होने देंगे हम। तो देखिए, ये हमारे मसाले हो गए हैं, खड़े मसाले। और ये अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को, और ये मसाले फिर हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हम भून लेंगे। इसमें 2 मिनट हमारे हो गए हैं, और अब ये जो मैरिनेट करा था हमने चिकन, ये हम इसमें डाल लेंगे। और इसको अब मिक्स करते हैं, फिर तो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ये मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये जो हमने प्याज को तला था, इसे हमने क्रश कर लिया है, और ये अब इसमें डाल देंगे हम। इसमें प्याज फ्राई, और अब इसे हम 5 या 10 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच में ढक के रख देंगे, ताकि हमारा चिकन गल जाए। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, और ऐसे ढक के से रख देंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने खोल लिया है ढक्कन, और ये देखिए हमारा चिकन, ये देखिए ये चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है बिल्कुल। और अब इसमें हम ये काजू बादाम का हम पेस्ट पीस लेंगे। फिर हम आपको आएंगे, दही ले ली है, और ये हमने काजू बादाम ले लिए हैं। तो ये हम ग्राइंडर में डाल देंगे, देखिए। और ये हम दही भी इसी में डाल लेंगे सारी। और देखिए, इसका हम पेस्ट बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने ये पेस्ट बना लिया है, ये देखिए, काजू बादाम और दही का। और ये हम अब इसमें मुर्गी में डाल देंगे सारा, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, इसको मिक्स करते हैं, फिर भूनते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। चिकन ये देखिए भून गया है, और ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम मलाई डालेंगे। ये देखिए, मलाई को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ऐसे चम्मच से, और यह मलाई हम इसमें डाल देंगे। और देखिए, मलाई डाल के हम 2 मिनट के लिए इसे हम चलाएंगे, डाल के हम 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, 1 चम्मच हम ये गरम मसाला डाल देंगे इसमें,
चिकन मसाला, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने मलाई दाल रखी है, तो इसलिए इसे हम पका लेंगे हल्की आँच में। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, ये इसने देखिए तेल छोड़ दिया है, और अब इसे हम डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा बनके चिकन मुगले चिकन तैयार हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और जैसे दिखने में अच्छा है और खाने में भी टेस्टी है ये। और आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।